हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार जल परिवहन की संभावनाओं को तराशने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधानसभा में जल परिवहन नीति पर नियम 130 के तहत विधायक राकेश जम्वाल द्वारा लाए गए प्रस्ताव का जवाब देते हुए कही। चर्चा में 5 विधायकों ने जल परिवहन नीति पर अपने विचार रखे। प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जल परिवहन की संभावनाएं तलाशने को लेकर बेहद गंभीर है और इस ओर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिमला में सभी हितधारकों के साथ बैठक भी की गई है, जिसमें जल परिवहन को लेकर सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में झीलों, नहरों और बांधों के अलावा 5 मुख्य नदियों में जल यातायात की गुंजाइश खोजने के लिए जयराम सरकार गंभीरता से काम कर रही है और कोलडेम में जल परिवहन की तकनीकी संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विशेषज्ञों के एक दल के साथ उन्होंने खुद सुन्नी से डैम स्थल तक दौरा किया है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि विशेषज्ञ दल ने सुन्नी तत्तापानी क्षेत्र में 3 और कसौल में 1 जेटी विकसित करने का सुझाव दिया है और यदि ये जेटीज विकसित की जाती हैं तो न केवल जल परिवहन की संभावनाएं विकसित होंगी बल्कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश में जल परिवहन की संभावनाओं को हमने तलाशा भी है और अब हम उस पर एक अच्छी पॉलिसी बना करके और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में उसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट उसको भी प्रारंभ हम करने वाले हैं। और उसमें यह भी है कि जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर जो पानी से जुड़े जो खेल हैं हमारे वो सब भी हों और इसलिए हमने कहा कि इसमें मिल करके हम 3-4 विभागों के साथ सामंजस्य से काम करेंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो है, टूरिज्म है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ पोर्शन है और उसके अतिरिक्त यह है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है और जिनका एडवेंचर स्पोर्ट्स और इन सब बातों में जिनकी एक अपनी महारत है, तो सब मिलकर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी सर और कहाँ कहाँ पे? देखिए, अभी हमने एक पहला जो एक कंसल्टेंसी जो इंडियन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के माध्यम से एक कंसल्टेंसी के लिए कहा था, तो भारत सरकार के द्वारा एक आई मैरीटाइम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड करके बुक की थी, तो उन्होंने तो अभी हिमाचल प्रदेश के लिए फर्स्ट फेज में 4 जगह पर उन्होंने बताया कि इन 4 जगहों पर हो सकती हैं, लेकिन हम ये विचार कर रहे हैं कि हम उस कंसल्टेंसी को ये कहने वाले कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति से लेकर के चंबा से लेकर के किन्नौर तक हर तरफ, चाहे जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, ऊना है, पौंग है, भाखड़ा, सब क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर क्या संभावनाएं तलाश की जा सकती हैं, कहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कारण हो सकता, कहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता, जो भी हो सकता उस सारी संभावनाओं को तलाश करके और जो भी है तो उसको हम सिरे चढ़ाएंगे। इससे पहले विधायक राकेश जम्वाल ने विधानसभा में विपक्ष के शोरगुल के बीच नियम 130 के तहत जल परिवहन नीति पर प्रस्ताव पेश किया, जिसमें विधायक राकेश पठानिया, सुभाष ठाकुर, होशियार सिंह और JR कटवाल ने जल परिवहन को बढ़ावा देने की वकालत की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।